आपके गांव पाली में जिकड़ी भजनों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, जिसके गायक कलाकार सिंह सिंहवार ढोलक पर संगति कर रहे भाई गौरव फौजदार मौरली से, पेड़ पर झनकार दे रहे भाई भरतलाल शर्मा जरूथर से, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करता पंडित रोहतास डीजे साउंड सर्विस जरूथर से। आइए एक और धमाका। बड़ा ही आनंद आ रहा है, और आप जैसे महान पुरुषों ने लिखा, बेटा गौरव कभी लिख रहा है कैसे, क्या बता दिया। और तू काहे बेगुमान करे, अब हुना चेत्यो तो बाबा पीछे पछतावे गो, या कंचन सिकाया पे तू काहे कूं घमंड करे, मिट्टी में मिल जावेगी आए कौआ उनाए खावे गो। और आइए, इंसान के लिए कभी फिर चेतावनी दे रहा है, और भैया गौरव कैसे दिया, मां साहब क्या लिखा। और बंबई वालों ने तर्ज निकाली, भैया गौरव क्या आए, और बंगला गाड़ी और झुमके कंगना और सब दे देना तुम उसको सजना, आग लगा उसके जो बन को, क्यों दिल मत देना मेरी सौतन को, पता नहीं कब धोखो दे जाए, क्या तेरी
50 रुपए का पुरस्कार मदन लाल भजन लाल जी और एक से एक रुपए का पुरस्कार राजवीर मिस्त्री पीली वाले दे रहे। बार बार धन्यवाद भैया। तेरी गाड़ी रह जाएगी ठाड़ी, ले जाए गोया कोई खेत कबाड़ी, मरे घोट ले मर जाके छोरा अंजन को कर ले भजन। आइए सज्जनों, और ये 50 रुपए का पुरस्कार आपके क्षेत्र के कलाकार नवयुग कलाकार और श्रीमान हमारे गुरु गंगाराम जी के चेला कौशल भोसिंगा जी जो कि आपके क्षेत्र के बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, हमारे लिए 51 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। भाई के लिए ताली जरूर बजा दे साहब। और आइए ध्यान को वही लगा दे, रावण ने कौशल्या को जल की लहरों में बहा दिया और विचार किया कि करूं हत्या नारी की, मैं दोषी बनूं जमाने का। और यह काम नहीं है मर्दों का नारी पे हाथ उठाने का। सो ले संदूक असुर ने जामे, जब कौशल्या बैठाई अरे बाबा फिर जल के बीच दुष्ट रावण ने कौशल्या को मसूसा में बंद करके जल की लहर में बहा दिया। और मंत्री कह रहा है महाराज आपकी बेटी कौशल्या का रण रावण करके ले गया। आहा सज्जनों, जब इतनी बात को सुना तो राजा रानी और क्या कह रहे बेटा गौरव क्या लिखा। और मंत्री सच बताऊं और मेरा जीवन है गयो ख्वार रे में कैसे मुख दिखलाऊं। चाचा करण सिंह फौजदार और बाबा तुम कछु दे रहे का यो भैया आशीर्वादों के तरीका को होए। गौरव क्या लिखा, पाप उदय है गया भयंकर बताऊं मेरा जीवन है गो वारा से गड़क से मुख दिख जाऊं बेटा कैसे मुख दिखला।
पिलाए दे मंत्री अपने प्राण समझ में आ रो का ना आ रोरी आ रो त्यारी समझ में का आवे को मैं बताऊंगो का आए हाय रे तेरे कोने के लड़ुआ लड़ुआ ये तेरी धर्म सूर लगे भारी स्वाद गौरव तेरी धर्म सूर लगे भारी स्वाद झटका लियो 100 रुपया राजवीर मिस्त्री 100 रुपया राजवीर मिस्त्री जो करो झटका दे झटका झटका को टेम भयो ना आए भाई ने 5 बज जान दे 5 बजे पीछे तू हमें कर रहे झटका लगेंगे मास्टर ये कह गए संत पुकारी यही जग में 2 दिन का मेला मिट्टी तेरी पड़ी रहे जब उड़ जाए हंस अकेला भैया राजा दशरथ से मंत्री ने कह दिया महाराज आप बारात लेकर के तो आ गए लेकिन कौशल्य का हरण रावण करके ले गया। और आज जब राजा रानी आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं राजा सोनपाल कह रहे हैं कि भैया मैं राजा दशरथ के सामने जाकर के मुंह भी नहीं दिखा सकता मैं ये भी नहीं कह सकता कि तू बारात को लेकर वापस चला जा मेरी बेटी कौशल्य का हरण रावण करके ले गया। और आज रानी एक बात कह रही है क्या कह रही भैया गौरव जी अरे मात्री की सुन के पानी और चाकी रोई और चाकी रोई गई है रानी और चाकी लेकिन भैया ढोला के माध्यम से राजा सोनपाल राजा दशरथ के सामने जाकर के एक बात कह रहे हैं क्या कह रहे बेटा ननते बंध गई जल की धारा
500 रुपए का पुरस्कार श्रीमान मुकेश सिंह जी पाली वाले हमारे दे रहे बार बार धन्यवाद। कि बार जाके छाती के फटाता कि जाने साफ साफ कह दिया और सारी बातों को सुन रहा है राजा दशरथ। और राजा सोनपाल का मंत्री कहता है महाराज डरने वाली बात नहीं है, कौशल्या का हरण करके तो ले गया रावण लेकिन बारात वापस नहीं जा सकती। क्यों मंत्री? महाराज एक बात आपके लिए बताने जा रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो छोटा मुंह और बड़ी बात निकल जाए मुंह से। कहा मंत्री क्या बात है? महाराज मैंने आपका नमक खाया है और महाराज मेरी बेटी सुमित्रा कौशल्या के साथ खेल कूद कर जवान हुई है। अगर मेरी बेटी सुमित्रा का विवाह अगर राजा दशरथ के साथ कर दिया जाए तो कैसा रहेगा? आहा सज्जनों, सुमित्रा को बुलाया गया, फेरे डाल दिए गए और राजा दशरथ बारात को लेकर उसी सरयू नदी के किनारे पहुंच जाते हैं जहां पर की दुष्ट रावण ने कौशल्या को जल की लहरों में बहाया। शाम का वक्त हो गया और लिखा कि करी विदाई भूप ने रथ में सोता बैठार कर, अरे बारात तब चलने लगी अज पुत्र की जय जय हार कर। सरयू पे सूरज ढल गया, होने को आई शाम है, अरे दशरथ तभी कहने लगे कर लो यही राम है। राजा दशरथ उसी जगह पर पहुंचाते हैं जहां पर कि दुष्ट रावण ने कौशल्या की जल की लहरों में बहाया। और बेटा गौरव आज संध्या बंदन के लिए जाते हैं लेकिन यहां से कहानी अलग मोड़ लेती है। और होता क्या है, क्या लिखा भैया? और भान आस्त्र है आयो है और करना है ता इसना न भूपन चल में पैरा
परेशान दुख नदी में श्रीमान 100 रुपए का पुरस्कार देवेंद्र पंडित इलेक्ट्रॉनिक पीडी 100 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। बार बार धन्यवाद। नजर परी संत दुख नदी में नार हिलो रे खाता है। माया धारी की माया का पार न कोई। एक 51 रुपए का पुरस्कार श्रीमान नवाब सिंह देसवाल जी 100 रुपया जयप्रकाश मीणा और 20 रुपया बोलू मीना हमारे दे रहे। बार बार धन्यवाद। आगामी कलाकार तैयार है क्या जान मेरो टाइम है गो कमेटी बता रही है आवाज है। समय पूरा है गयो भैया अरे सिंह कह के गुरुदेव पार करेंगे नहीं।